हम बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स को देखने वाले हैं. हम गायक नहीं हैं, हम अच्छे डांसर्स भी नहीं हैं हम दोनों, पर एक्टिंग हम ठीक ठाक कर लेते हैं. सो दिस इज़ अ ग्रेट वेन्यू फॉर अस टू एक्चुअली कम एंड सी द न्यू फ्रेश टैलेंट आउट देयर, द न्यू एक्टर्स आउट देयर. तो ये एक्चुअली एक्सपीरियंस एक है जो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वेरी मच. सो मेरे लिए तो एक तरह से आई थिंक इट्स अ ट्रीट. हमें कोई जितने परफॉर्मर्स हैं उतनी है, छोटी छोटी फिल्में देखने को मिलेंगी, स्मॉल सीन्स, एक्सर्प्ट्स. एंड आई थिंक जिस तरह हम आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, आज हम एंटरटेन होने के लिए आए. एक से ज़्यादा दफ़ा ऑडिशन दिया हुआ है. जब भी देता हूँ मैं भी उतना ही डरता हूँ, आवाज़ उतनी लरजती है और आई गेस नर्वस होता हूँ मैं. एंड आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू देम इफ दे फील दैट वे. सो आई थिंक उन चीज़ों को इनटू अकाउंट लेना चाहिए, बिकॉज एक एक्टर इतनी सारी लाइव ऑडियंस के सामने जो है एक ऑडिशन दे रहा है, तो आई एम श्योर हमारी तो वैसे ही जो है वो खलक में अटक जाती है एक बंदे के सामने कहते हुए. So it should be a very big thing for them to be doing. जी, हर बात पे तो प्रेशर ही मुझे महसूस होता है, बिकॉज जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो सब पूछ रहे थे अनिल कपूर की लड़की है हाउ डू यू फील, कितना प्रेशर हो रहा है अगर मैं फिल्म करूँगी, हाउ डू यू फील, क्या प्रेशर हो रहा है. आई थिंक सब पे, या एक फिल्म फ्राइडे को रिलीज़ हो रही है, हाउ डू यू फील, प्रेशर हो रहा है. तो प्रेशर तो ये इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर जॉब. हमें जो डर गया वो मर गया. तो वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन. आई कैन नेवर फिल हर शूज़. वो बहुत ही आइकॉनिक एक्ट्रेस है, मैंने उनका 10% भी अचीव नहीं किया है.